एक लड़के को छोटा सा कांच का टुकड़ा मिल गया। उसने जाकर पूछा कि मैं इसका क्या करूं। बेटा तू इसको जा मार्केट में और बेचना मत, बस कहीं भी जाके बैठ जा, जो भी इससे पूछे ये कितने का है तो तू यूं करना, यूं करना। पहले दिन गया, जिन सब ने उनसे पूछा उसने किया यूं यूं, सब ने कहा 20 रुपये का है, 200 रुपये का है। फिर वापस आया, आज पिताजी इसका भाव लगा 20 रुपये, 200 रुपये, 20 रुपये, 200 रुपये। ठीक है बेटा, कल तो उस जगह जाना जहाँ पे सक्सेसफुल लोग आते हैं और माहौल अच्छा होता है, ऐसे जगह जाना और तेरा काम एक ही है, ऐसे करना है। दूसरे दिन गया, वहाँ पे कोई अच्छा 2000 रुपये का है, 20000 रुपये का है। पिताजी आज इसका भाव 2000-20000 रुपये लगा। अब बेटा तू शहर की सबसे पॉश कॉलोनी है ना, उस जगह पे जाके अच्छी से अच्छी टेबल पे रख के इसका भाव बताना। अब की बार उधर जब गया, यूं करते सब 2 लाख का है, ओ 20 लाख, 2 लाख, 20 लाख। एक ही वस्तु एक बार भी रेट नहीं बताई, सिर्फ इशारा किया। इस दुनिया में कोई इंसान किसी चीज की रियल वैल्यू देखना चाहता है तो उसको उस माहौल के चश्मे से देखना पड़ेगा, उस माहौल के दर्पण से देखना पड़ेगा।